हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी, जो कि बहुत ही हेल्दी रोटी होती है। इसे हम सर्दियों के मौसम में ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ये गर्म करती है शरीर में जाके, और ये ग्लूटेन फ्री होती है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी बाजरे का आटा लिया है। बाजरे का आटे में मैंने ये नमक डाल दिया है एक चम्मच। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। बाजरे का आटा 10 दिन तक का ही होना चाहिए पिसा हुआ, नहीं तो इसमें से हमें कड़वापन खाने में लगता है। इसीलिए आप फ्रेशी इसे बनाइए और फ्रेशी इसे ले आइए। इसमें पानी मैंने गुनगुना लिया हुआ है, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। बाजरे के आटे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है, लेके इसे गूंथना है। इस आटे की एक ही खासियत है कि इसे ताज़ा ताज़ा आप बना खाना चाहते हैं उसी समय इसे गूंथिएगा, और इसे हथेली से ही मड़िएगा। देखिए, इसे हाथ से ही, हथेली से ही मैं इसको दबा रही हूँ और इसे एकदम प्रेस कर रही हूँ। अब पानी मैंने थोड़ा और ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही इसे आप डालिएगा, नहीं तो ये एकदम गीली हो जाएगी। देखिए, इसे मैं मसल रही हूँ। इसे गूंथना ही हमें इसी तरीके से है, रोटी की तरह हमें इसे हाथों से नहीं प्रेस करना है। देखिए, हथेली से मैं इसे अच्छे से दबा दबा के इसको गूंथ रही हूँ। जितना आप इसे हाथों से प्रेस करेंगे, हथेली से प्रेस करेंगे, उतना ही रोटी बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेगी। देखिए दोस्तों, इसमें लस्सी नहीं होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसीलिए हमें इसे तुरंत बनाना होता है। देखिए ये कितना सॉफ्ट है। अब हमारा आटा रेडी हो गया है। देखिए ये कितना अच्छे से तैयार हो गया है। अब ये रोटी बनाने के लिए रेडी है। ये हमारे देश की ही रोटी है दोस्तों। पहले हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग यही खाते थे और एकदम हेल्दी रहते थे। इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, इसीलिए ये काफ़ी हेल्दी भी है बॉडी के लिए। इसे आप सर्दियों में ज़रूर खाइए। अब मैंने इसके 3 बॉल बना लिए हैं। हाथों में इसे पहले गोल गोल करके आप इसे लोई बना लीजिए। एक कटोरी में 3 बाजरे की रोटी बनती है। उसी प्रकार आप अपना जितना आपको चाहिए उतना ही आटा लीजिएगा। अगर आपसे पहले आप बिगनर हैं, तो आप गेहूं का आटे से डस्टिंग करिएगा इसे। मैंने इसे बाजरे के आटे के साथ ही डस्टिंग की है। अब मैंने हाथ में थोड़ा पानी लगा लिया है और इसे मैंने, देखे, रोल रोल करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब थोड़ा सा आटा लेके इस पर डस्ट कर लिया है मैंने। अब हम इसे चारों तरफ से घुमाते जाएंगे। देखिए, अब मैंने आटे में इसे अच्छे से बाइंड कर लिया है। अब चकले से अब हम इसे बेल लेंगे, हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से इसे दोस्तों बेलिएगा। अब हम फिर से इसमें आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से सरकेगी। ये बहुत अच्छे से बन जाती है दोस्तों। आराम से इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से बेलिएगा। मैं फिर से आपको यही बोल रही हूँ, नहीं तो ये फट जाएगी, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए, ये एक रोटी हमारी बन चुकी है। तवा मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। इसे गर्म होने देंगे। 2-3 मिनट के बाद देखिए तवा हमारा गर्म हो गया है। अब हम रोटी को हल्के हाथ से उठा लेंगे और तवे के सेंटर में देखते हुए इसे तवे पर डाल देंगे। ये देखिए, बढ़िया गोल रोटी, कितनी ताजी बढ़िया रोटी बनी है दोस्तों। अब मीडियम फ्लेम पर इसे घुमाते जाइए धीरे धीरे, ताकि ये नीचे से अच्छी तरीके से सिक जाए। अब इसे पलट दिया है मैंने। देखिए, ऊपर थोड़ा सा कलर आ गया है। फिर से मैंने इसे गोल गोल घुमा दिया है, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाए। आँच मीडियम ही रहनी चाहिए दोस्तों, तेज आँच मत करिएगा। अब मैंने ये स्पून से इसे थोड़ा सा एजेस को प्रेस कर दिया है, ताकि एजेस भी अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए दोस्तों, थोड़ा हल्का फुल्का क्रैक हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा। ये बाजरे की रोटी है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। अब मैंने तवे को हटाकर
इसके सारे एजेस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सेक लिया है ताकि ये रोटी एकदम बढ़िया तरीके से पक जाए, बहुत करारी लगे। एक अब मैंने एक तरफ इसे और भी अच्छी तरीके से सेक लिया है, इसे दोनों तरफ बहुत बढ़िया से सेकिए। थोड़ा जल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरीके से सेकना है। देखो दोनों तरफ से, ये देखो कलर भी इसमें थोड़ा सा आ गया है। अब दोनों तरीके से ये अच्छी तरीके से सीख गई है। देखिए दोस्तों, मैंने इसे चारों तरफ से पका लिया है, ये एकदम पक चुकी है, सीख चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखो कितनी बढ़िया बाजरे की रोटी बनी है। अब इसके ऊपर मैंने गर्मा गर्म घी लगा दिया है, देसी घी लगाया है, मैंने घर में ये बनाया है। अब मैं देखो आपको दूसरी रोटी भी बना के दिखाती हूँ दूसरी तरीके से। पहले मैंने बॉल को डस्ट कर लिया है और इसकी लोई को थोड़ा मैंने प्रेस करके घुमा दिया है। अभी जल्दी से बन जाए इसके लिए मैंने हाथों में पानी लगा के इसको थोड़ा सा हथेली पे रखते हुए आगे पीछे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि ये जल्दी बेल जाए। और फिर इसे मैंने अच्छी तरीके से डस्ट कर लिया है। पानी लगने से ये घूमने में इसमें आसानी होती है। अब बस हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है। देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से बेलिए, हल्के हाथों से ही बेलिएगा, इस पर बिल्कुल ज़ोर मत लगाइएगा। फिर इसे आटे में अच्छी तरीके से डस्ट कर लीजिए, फिर ये और अच्छी तरीके से बेल जाएगी। और ये देखिए हमारी गोल रोटी एकदम बढ़िया से तैयार है बाजरे की। और इसे हल्के हाथों से उठा के मैंने रख दिया है। आटा इसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और ये हल्के हाथों से ये रोटी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। अब तवा हमारा गर्म ही है, मीडियम फ्लेम पे है। और इसे मैंने हल्के हाथों से उठा के सेंटर में देखते हुए रोटी को रख दिया है और ऊपर थोड़ा पानी लगा दिया है। आप पानी में लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। पानी लगाने से इसका ये सरफेस सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे हम नान में लगाते हैं। अब इसे मैंने दूसरी तरफ पलट देना है। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बनी है बाजरे की रोटी। अभी खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगेगी। और इसे आप इसे चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए एजेस को, दोनों तरफ से पहले पका लीजिए हाथों से घुमा घुमा के, ताकि अच्छे से थोड़ी सी करारी हो जाए। देखिए मैंने इसे घुमा दिया, अब इसे पलट दिया है और फिर से इसे मैं घुमा देती हूँ ताकि ये अच्छे से सिक जाए। अब हमें इस रोटी को उठा के पहले इसके सारे किनारे को अच्छे से सेक लेना है ताकि ये खाने में बिल्कुल कच्ची ना लगे। देखिए दोस्तों, पहले के लोग इसे सिगड़ी में बनाते थे तो बहुत ही सौंधी लगती थी। अगर आपके पास मिट्टी का तवा है तो और भी ये रोटी बहुत बढ़िया बनेगी। ये देखिए मैंने इसे इस तरफ से सेक लिया, फिर दूसरी तरफ से पलट के सेक लिया। ये देखिए फूल भी रही है मेरी ये रोटी, और ये बढ़िया से सिक गई है। और ये हमारी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी तैयार है। ये हमारे देश की ही रोटी है दोस्तों। अब ये दोनों तरफ से सिक गई है, इसे अच्छे तरीके से सेक लिया है और मैंने प्लेट में डाल दिया है। इसके ऊपर आप बटर लगाइए या देसी घी, ये मैंने घर में बनाया देसी घी है दोस्तों। इसे अच्छे से घी लगा दीजिए चारों तरफ से। और इसे मैंने गुड़ के साथ सर्व किया है। ये खाने में गुड़ के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मक्के के साग के साथ खाइए, सरसों के साग के साथ खाइए, इसे दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए। ये बहुत ही यम्मी रोटी है और हेल्दी रोटी है। बट प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।